तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों अपने ही खेत के पास हैं और हमारे पड़ोसी नारायणपुर गांव आ रहा है, औरमपुर बिक्कू उसके गांव के रहने वाले हैं हमारे किसान भाई। बड़े ही प्रगतिशील किसान हैं, 2-3 साल से ही ट्रेंच की खेती कर रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त पैदावार ले रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार है। और 0238 वैरायटी है, और ये आज अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ा रहे हैं। महिंद्रा 475 ट्रैक्टर है, और किसान साथियों गन्ने की आप ग्रोथ देख ही सकते हो, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, बड़ी शानदार ग्रोथ है गन्ने की। 0238 वैरायटी है। तो किसान भाई से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, एवं जो ये ट्रंचर है, ये मिट्टी चढ़ाने का यंत्र है, ये इनका मिट्टी चढ़ाने का यंत्र ही अलग ही लेवल का है। कुछ तो किसान भाई हमारे जो यंत्र होता है गन्ने बुआई का, उससे ही मिट्टी चढ़ा देते हैं और उससे ही गन्ने की बुआई कर देते हैं। तो इनका ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, ये अलग ही लेवल का है। और देखो किसान साथियों गन्ने की ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो कब की बुआई करी पूरी जानकारी लेंगे किसान भाई से, चलते हैं। किसान साथियों दो खेत हैं, या इस वाले खेत में चढ़ा रहे हैं और इस वाले खेत में इन्होंने चढ़ा दी है। और ये देखो किसान साथियों बड़ी ज़बरदस्त मिट्टी चढ़ी हुई है, शानदार मिट्टी चढ़ी हुई है। तो जानकारी लेना प्रयास करेंगे किसान भाई से अपने, आ जाओ यहाँ को, आ जाओ जी। राम राम जी। राम राम। और जी ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया। तो जी हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपना परिचय दो, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम नववार। और गांव का नाम जी? औरमपुर बिक्कू। अच्छा, तो ये बताओ जी, आप सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताओ, ये ट्रंच की शुरुआत आपने कब करी और किसे देख कर आपने इसकी शुरुआत करी, इसमें लाभ है या नहीं, आप जरा थोड़ी सी जानकारी दो जरा भाई। इसमें जब बैल रखने की जरूरत ही ना, ट्रैक्टर से काम चल गया। अपने ट्रैक्टर से काम करते हैं, कितनी चौड़ाई कर रखी है जी इसकी? 3.5 फीट। 3.5 फीट पर करते हैं। कितने दिन से कर रहा है जी? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। पिछले साल उत्पादन बढ़िया रहा? बढ़िया रहा। और 28 इंची की करते थे आप, उसमें लाभ था, इसमें लाभ है अब जा? उसमें तो फिर बैल देखने पड़े। अच्छा, बैल देखने पड़ते, दिक्कत आती बहुत। इसमें अपना बढ़िया रहता, ट्रैक्टर से काम हो जाता, ट्रैक्टर से काम हो, बढ़िया चल रहा काम। तो 0238 होगी जी वैरायटी? तो कब बुआई करी जी? ये मार्च के 10 तारीख को। तो गन्ने की ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है। अगर आप इसमें अगर एक पानी और लगाते तो गन्ने की ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती, फिर मट्टी चढ़ाने में दिक्कत आती, टूट जाती बहुत। हाँ, ट्रैक्टर के नीचे फिर टूट, ट्रैक्टर से नीचे आती। तो बहुत बढ़िया, अगर आपने इसमें अभी मिट्टी चढ़ा दी किसान साथियों, गन्ने की ग्रोथ बहुत शानदार है। अभी मैं आपको निरीक्षण करा दूंगा। भैया ये बताओ, पहले तो आपने जब बुआई करी इसकी, कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग किया, कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग किया, ये बताओ जरा। मैं तो दो ही दवाई लगाई बस, बोते हो? अच्छा, बुआई करते हैं, दो दवाई कौन कौन सी लगाई थी? एक तो थी आई थी, एक तो DAP लगाया होगा आपने जी, यूरिया भी लगाया है, यूरिया भी लगाया, और यूज मैस लगाई होगी, एक यूज मैस लगाई, और रिजेंट भी लगाई। तो बढ़िया रिजल्ट मानते हैं आप जी, 3-4 दवाई बढ़िया हो रहा है, बढ़िया रिजल्ट, कोई रोग अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। 0238 में कोई रोग नहीं आया? इससे पहले जब आपने इसकी बुआई करी थी 0238, अक्की बार हमारे किसान भाई बहुत डर चुके हैं कि क्या रोग बहुत आया इस गन्ने में, अक्की बार आपके में भी रोग आया था जी? नहीं, पिछली बार था, पिछली बार आया रोग, अक्की बार इतना नहीं है, इस टाइम नहीं है। तो कितने सिंचाई कर दी होगी, कितनी बार इसकी जी? एक ही सिंचाई करी। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया अच्छी ग्रोथ हो रही है किसान साथियों। और उधर भी आपका ये जी, अभी उधर वाला खेत, चलो उधर भी मैं दिखा दूंगा, और आपके ट्रंचर के बारे में जानकारी लेंगे, कहाँ से लाया आप किसान साथियों, इधर दिखाने का प्रयास करूँगा। बड़ा ही शानदार गन्ना कर रखा है, और 28 इंची की खेती करते थे पहले ये, अब ये ट्रंचर पर आ चुके हैं। देखो ये देखो किसान साथियों, गन्ने की कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, बड़ी शानदार ग्रोथ हो रही है गन्ने की, एक धोरे से लगा कर बड़ी ज़बरदस्त गन्ने की ग्रोथ है। तो जी ये बताओ जी, हमारे किसान भाइयों को मिट्टी चढ़ाने का लाभ होता नहीं कुछ इसका? हाँ, ऊंची नीची में भी पानी तो पूरी में सही होकर लगी जाना। अच्छा, इसकी जो आप सिंचाई करेंगे तो बीच बीच में रहेगा, नमी बढ़िया रहेगी, और गन्ने की गिरने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। भी यार हमारे सामने और भी दिक्कत है, ऊपर नीचे खेत हैं तो भट नहीं चलना। हाँ, चूहे जो भट कर देते हैं, यानी पानी लगाने में हम बहुत परेशान हो जाते हैं किसान साथियों। अब जब मैं आपके ये जो इनका ट्रंचर है, ये इसके बारे में दिखाऊंगा, उधर चलते हैं जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है। चलो जी, गन्ने की ग्रोथ आपको दिखा दी थी, बड़ी ज़बरदस्त डीलिंग हो रही है, और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो फिर किसान साथियों ये टूटने की समस्या हो जाती, और जब ये मिट्टी चलाते टूट जाता बहुत। तो उन्होंने मेरी राय में तो बहुत सही कार्य किया, मिट्टी चढ़ा दी अभी, और देखो इधर मिट्टी नहीं चढ़ी, देखो गन्ने की ग्रोथ बड़ी शानदार है किसान साथियों, देखो शानदार ग्रोथ कर रहा है गन्ना। चलते हैं किसान साथियों जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, 475 ट्रैक्टर है,
किसान साथियों, ये अप्रैल का गन्ना है और अप्रैल का गन्ना भी देखो आप कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका जो मैं ये भैया जी का ट्रंचर है इसके दिखाऊंगा मैं आपको, मिट्टी बहुत बढ़िया चढ़ा रहा है ये। धीरे किसान साथियों, कितनी ज़बरदस्त मिट्टी चढ़ा रहा है, और सिंगल ही चढ़ा रहा है साथियों, ये देख ही सकते हो। कहाँ से बनवाया था जी वो? ये तो हम दूसरे का है। अच्छा, दूसरे का लिखा है। अच्छा, ये देखो किसान साथियों, इसकी मैं आपको दिखाऊंगा परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया दिखा रहा है, शानदार मिट्टी चढ़ रही है। ये देखो, बढ़िया यंत्र है मिट्टी चढ़ाने का ये, गन्ना बोने का भी यही है। पर ये मुझे लग रहा है डबल, जो दो आपको की बुआई करते हैं दो पेंडे की, वो ही लग रहा है मुझे बुआई करने का। ये चौड़ाई बहुत अच्छी कर रहा है, तो किसान साथियों आज के हमारे किसान भाई से मिलकर आपको कैसा लगा, और इनकी जो ये मिट्टी चढ़ाने का यंत्र है आपको कैसा लगा, और इनकी बातचीत से आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसान साथियों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करें, और किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम।